टाइम मशीन के आखिरी पड़ाव पर बताएंगे आपको 70 साल पहले अलग हुए दोनों देशों की पूरी दास्तान। तो सरहदी इलाके पनमुन जोन में हुई किम और मून की मुलाकात, इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के समर्थक कोरिया का झंडा लहरा रहे थे। इसमें उत्तर या दक्षिण कोरिया की लकीर नहीं खींची थी। यहां तक कि हाउस ऑफ पीस में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भी कोरिया को अखंड रूप में दिखाया गया। वैसे भी 70 साल पहले हकीकत में कोरिया एक ही था, मगर फिर वो सब कुछ हुआ जिसके बाद कोरिया के दो टुकड़े हो गए, एक उत्तर कोरिया बना और दूसरा दक्षिण कोरिया। लेकिन बंटवारे के बाद से ही दक्षिण कोरिया तो शांत रहा, कुछ वक्त बाद ही उसने लोकतंत्र की राह भी पकड़ ली, मगर उत्तर कोरिया दूसरे ही रास्ते पर चल पड़ा। देखिए, दुनिया के नक्शे पर आज की तारीख में ये जो दो मुल्क नजर आते हैं, दरअसल वो कभी एक थे। सीमा एक थी, लोग एक थे, राष्ट्र एक था, राष्ट्र अध्यक्ष एक था, मगर नफरत की बुनियाद पर खींची गई सरहद की इस लकीर ने देखते ही देखते इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर के एक तरफ का देश उत्तर कोरिया कहलाया तो दूसरी तरफ का दक्षिण कोरिया। कोरिया की यह कहानी शुरू होती है सिला राजवंश के दौर से। करीब 900 साल के सिला शासन में कोरियाई प्रायद्वीप में कोरिया चीन और जापान से अलग दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत पहचान रखता था, मगर 20वीं सदी आते आते सिला राजवंश की पकड़ कोरिया पर कमजोर पड़ने लगी। कोरियाई प्रायद्वीप में करीब डेढ़ दशक के दबदबे के बाद जापान ने साल 1910 में इस सिला राजवंश पर कब्जा कर लिया, मगर जापानी कब्जे के साथ ही इस मुल्क में विद्रोह की आग भड़कनी शुरू हो गई। कोरियाई लोगों ने अपनी आजादी के लिए कई विद्रोही संगठन बना लिए, जिनमें से कुछ चीनी और सोवियत कम्युनिस्ट समर्थक थे और कुछ संगठनों को अमेरिका का समर्थन हासिल था। चीनी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर विद्रोही किम संग इल ने एक गोरिल्ला फौज तैयार की जो जापान से मुकाबला कर। उधर 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी दुश्मनी जापान को भारी पड़ी और इस युद्ध में बुरी तरह हारने के साथ ही जापान को हथियार डालने पड़े। इसी के साथ 36 सालों की गुलामी के बाद कोरिया जापान के चंगुल से आजाद हो गया, मगर तब तक द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छठे नहीं थे। पूरी दुनिया तब दो गुटों में बटी नजर आ रही थी, एक अमेरिकी गुट और दूसरा सोवियत गुट। कोरियाई विद्रोही भी इससे अछूते नहीं रहे। कोरिया को जापान से आजादी तो मिल गई, पर जापान के कोरिया छोड़ते ही कोरिया में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। आजादी के लिए बने गुट अब दो अलग अलग पावर सेंटर में बट गए। कोरिया के उत्तरी हिस्से पर अपना कब्जा जमाए किम इल सिंग के कम्युनिस्ट गुट को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था, तो कोरिया के दक्षिणी हिस्से पर अपना दबदबा कायम किए हुए कम्युनिस्ट विरोधी नेता सिगमन री के गुट को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। अब हालात ऐसे बने कि दोनों के कब्जे वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए कोरिया के दो टुकड़े कर दिए गए। विभाजन के बाद एक उत्तर कोरिया बना और दूसरा दक्षिण कोरिया। मगर विभाजन का ये विवाद तो अभी शुरू ही हुआ था। जापान से आजादी के बाद 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को फिर से एक राष्ट्र बनाने की पहल की। इसके साथ ही अमेरिका के समर्थन से सिगमन री ने पूरे कोरिया पर अधिकार जमाते हुए सियोल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा कर दी।
मगर इस घोषणा के 25 दिन बाद किम इल संग ने प्योंगयांग में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही पूरे कोरिया पर अपने अधिकार की भी घोषणा कर दी। बंटवारे के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक लड़ाई अब भी जारी है। कोरिया पर अधिकार को लेकर अभी विवाद जारी ही था कि तभी 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया के शासक किम इल संग ने चीन और सोवियत यूनियन की मदद से दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुआ कोरियाई युद्ध। इस युद्ध में सोवियत यूनियन उत्तर कोरिया की तरफ से था तो अमेरिका दक्षिण कोरिया की तरफ। 3 साल तक युद्ध चला जिसमें लाखों लोग मारे गए। तीन साल की लड़ाई के बाद आखिरकार कई देशों की मध्यस्थता के बाद 27 जुलाई 1953 में दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों में तनाव बना रहा जो आज भी जारी है। दोनों देशों की सीमा को बिना सैनिक गश्त वाली महज 2.5 मील की ये तारबंदी एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया के सबसे खौफनाक बॉर्डर के तौर पर जाना जाता है। टाइम मशीन के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और चलेंगे एक और सफर पर। तब तक आप बने रहिए तेज के साथ।